हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों के यानी नवजात शिशु जो मतलब कि आप कोई बाहर का उसे सामान नहीं दे सकते तो उसका हिचकी को कैसे रोके यानी कि हिचकी को कैसे बंद करें, तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद आप ऑल पर भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बच्चों को हिचकी को कैसे ठीक करें। छोटे बच्चों नवजात शिशु जो फील्डिंग करता है उसके बारे में आज बात कर रही हूँ, उसका हिचकी को कैसे रोके। तो मैं बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट में बच्चों के हिचकी को ठीक कर सकते हैं। मेरा बेबी का मतलब मेरा भी 5 मंथ का बेबी है तो उसका भी हिचकी बहुत आता था, बहुत ज़्यादा हिचकी। हिचकी आना बच्चों का आम बात है क्योंकि वो हिचकी बार बार करता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि हिचकी बच्चों को होते रहता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, तो हिचकी वो ठीक हो जाएगा। तो बात मेरे बच्चे का जो बार बार हिचकी आता था, मैंने कुछ मतलब ऐसे टिप्स फॉलो की जिससे उसका हिचकी आता तो था लेकिन तुरंत बंद हो जाता था, तुरंत ठीक हो जाता था। तो आज मैं आपके साथ वही टॉपिक शेयर करूँगी। तो चलिए बताती हूँ। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हिचकी आता था तो मैं सबसे पहले करती थी कि जब भी बच्चों को हिचकी आता है तो आप पहले सबसे पहले करें कि आप बच्चों को फील्डिंग कराएं। हो सकता है उसका मुंह सूख गया हो या हिचकी आना आम बात है, तो जब भी आप फील्डिंग कराते हैं बच्चों को तो फील्डिंग कराने से हिचकी बंद हो जाता है। तो जब बच्चों को हिचकी आ रहा तो आप ज़्यादा देर ना करें, ज़्यादा देर करने से दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप तुरंत बच्चों को फील्डिंग कराने की कोशिश करें। फील्डिंग कराने के बाद हिचकी बंद हो जाता है। यदि फील्डिंग कराने के बाद भी उसके बावजूद यदि हिचकी बंद नहीं होता है, हिचकी ठीक नहीं होता है, तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ, यदि उसे आप फॉलो करेंगे तो मैं बोलूँ 110% बच्चों का हिचकी बिल्कुल रुक जाता है यानी कि ठीक हो जाता है। मैं खुद अपने बच्चों के साथ फॉलो की है तो मैं आपके साथ शेयर करी। तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ आपको करना है एक ट्रिक में उपाय है, मतलब ऐसा किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि बच्चों का हिचकी इससे ठीक हो जाता है। माना क्या जाता है, मतलब बिल्कुल इससे हिचकी ठीक हो जाता है। मैं खुद अपने बच्चों के साथ इसे ट्राई की हूँ। तो आपको लेना है एक धागा, मतलब कोई भी धागा हो जिससे आप सिलाई करते हो, जैसा भी धागा हो, या आप कपड़े से भी निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी धागा हो आपको एक लेना है धागा, और उस धागे को आपको सरसों तेल में भिगो देना, मतलब थोड़ी सी आपको सरसों तेल लेना है और उसमें उस धागे को भिगो देना है। उसके बाद उस धागे को बच्चों का जिस सिर का तलवा होता है यहाँ, मतलब बीचों बीच तलवा के बीचों बीच रखना है आपको, वहाँ पे धागा को रख देखेंगे 5 मिनट के अंदर में बच्चा का हिचकी मतलब बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं खुद अपने बच्चों के साथ फॉलो की, जब भी उसका हिचकी आता है मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ, क्योंकि फील्डिंग कराने से थोड़ी देर में हिचकी रुकती है, लेकिन जब मैं उस धागे को रखती हूँ तो बहुत जल्दी उसका हिचकी मतलब ज़्यादा होने के लास्ट में मैं करती हूँ तो उसका ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी यदि आपको बच्चों के हिचकी बार बार आता है, क्योंकि बच्चा को तो हिचकी आम बात है, हिचकी तो आता ही है, तो आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बच्चों को हिचकी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।